आज का हमारा अपडेट है जमालपुर सहरसा रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के ऊपर। इस वीडियो में हम एक बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो अपडेट के माध्यम से और यह जानकारी हम आपको पूरे विस्तार में समझाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। जमालपुर से सहरसा के बीच मेमू ट्रेन का परिचालन को लेकर के रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है। इस रूट पर चलने वाली जमालपुर सहरसा मेमू स्पेशल ट्रेन अब 31 मार्च तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, उन यात्रियों के लिए अब सहूलियत होगी जो लोग जमालपुर से सहरसा के बीच सफर करते हैं इस ट्रेन से। पूर्व मध्य रेलवे ने करीब 14 पैसेंजर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगामी 31 मार्च तक कराने का आदेश जारी किया है। इनमें से ईस्टर्न रेलवे के मालदा मंडल की मात्र एक ट्रेन शामिल है, जो कि है जमालपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन नंबर 05509। इस ट्रेन के अलावे पटना जैसे तमाम रूट से संचालित की जाने वाली कई ट्रेन भी शामिल हैं। उसका वीडियो अपडेट हम अलग से लाएंगे कि आखिर पटना से कौन कौन सी ट्रेन का विस्तार रेलवे ने किया है। केवल इस वीडियो में हम जमालपुर सहरसा रूट पर चलने वाली ट्रेन की बात कर रहे हैं। इस ट्रेन के अलावे जमालपुर बेगूसराय पैसेंजर ट्रेन चलाने की भी फिर मांग उठने लगी है। कोरोना काल में बंद हुए जमालपुर बेगूसराय के बीच जमालपुर तिलरथ पैसेंजर ट्रेन को पुनः चालू कराने की मांग शहरवासियों ने की है। इसी दौरान रेलवे की ओर से कोई बड़ा निर्णय अभी तक नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रेलवे इस रूट पर भी पहले की तरह बेगूसराय खगड़िया के लिए भी ट्रेन चला सकती है। जमालपुर खगड़िया के लिए जमालपुर सहरसा पैसेंजर मेमू ट्रेन चलने से राहत तो है ही, लेकिन बेगूसराय और तिलरथ जाने के लिए अभी फिलहाल एक भी ट्रेन नहीं है और यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी गई है। अगर जमालपुर बेगूसराय ट्रेन का परिचालन पुनः शुरू होता है तो इससे मुंगेर जमालपुर की बाजार की रौनक और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि साग और सब्जी उस पार से ही मुंगेर में ट्रांसपोर्ट होता है, जिस कारण यहाँ पर व्यापारियों की भी मांग अब उठने लगी है। तो ये था आज का अपडेट। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।